Dear students of 10th class, today we will discuss one more important concept of the same chapter, arithmetic progression. The important concept is sum of n terms of an arithmetic progression. किस तरह हम एक arithmetic progression के n terms को sum कर सकते हैं, उसका sum हम किस तरीके से इजीली कर सकते हैं. If we have given n term, we can easily find out the sum. अब यहां पे उसके लिए हम फार्मूला देख लेंगे, कौन सा फार्मूला हमारे पास है जिससे हम इजिली n terms का sum देख सकते हैं. For this, dear students, remember this arithmetic progression की जो definition हमने discuss की थी वो एक video में मैंने अपने channel पे अपलोड किया है, उस वीडियो को जरूर देख लेना. गिवन एन एपी, अगर हमारे पास एपी होगा से ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विच कंटेन्स एन टर्म्स टेकिंग. यहां पे हमने एस एन दट इज इक्वल ए प्लस, डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस वन अप टू प्लस, इससे पहली वाली टर्म होगी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये हमारे पास, हमने इसको एज एस एन ले लिया. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं. Sn is equal to, हम राइट साइड से ही आएंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस वन अप टू प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए, इस तरह लिख सकते. यहां पे भी इट कंटेन्स एन टर्म्स, डियर स्टूडेंट्स, इट आल्सो कंटेन्स एन टर्म्स, ये ज़हन में रख लेना, इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है. यहां पे भी वही एन टर्म्स का सम है, इसमें भी उन्हीं एन टर्म्स का सम है. डियर स्टूडेंट्स, वी कैन ऐड दीज टू, इट बिकम्स टू टाइम्स एस एन, टू टाइम्स इस और इसको हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग, टेकिंग दिस एज फर्स्ट दिस एज सेकेंड, इसको हम फर्स्ट मान लें इसको सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इस तरह हम कर सकते हैं. यहां पे जब एडिंग हमने किया इट बिकम्स ट्वाइस एस एन. अब यहां पे ये टर्म है, इसको इस टर्म से हम एड करने वाले, फिर इस टर्म को इस टर्म से ऐड करने वाले, इसी तरह यहां पे ये टर्म है इसको इस टर्म से ऐड कर लेंगे, इस टर्म को इस टर्म से ऐड कर, बीच में भी इसी तरह कर सकते, बिकॉज दिस कंटेन्स एन टर्म दिस आल्सो कंटेन्स एन टर्म्स. यहां पे ये फर्स्ट टर्म है, मान ले यहां पे ये फर्स्ट टर्म है, इन दो टर्म्स को सम कर, सेकंड टर्म सेकंड टर्म के साथ, इसी तरह यहां पे जो लास्ट फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगा, लास्ट सेकंड टर्म के साथ ऐड. Now adding these, what happens? We have a plus this. It is a plus this, that is a plus a becomes two times a. Plus, यहां पे n minus one into d. ये हमारे पास इन दो का सम आ गया, इसका और इसका सम आ गया. अब इन दो second term जो है first एक्सप्रेशन का, इस सेकंड एक्सप्रेशन का जो सेकंड है, इनका सम ए को ए के साथ ऐड कर सकते हैं, बिकम्स टू ए प्लस
टू टाइम्स ए प्लस डी प्लस यहां पे एन माइनस टू इंटू डी, ये एन माइनस टू टाइम्स डी, इट इज वन टाइम्स डी, एड होगा इसके साथ, इट बिकम्स हियर प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बिकॉज यहां पे एन माइनस टू एड होगा वन डी, इट बिकम्स एन माइनस वन इंटू डी, ये इन दोनों का सम होगा प्लस बीच में हम सो आंसर करेंगे, जो बीच वाली टर्म्स है उनको भी उनका भी सम इसी तरह होगा। अब यहां पे लास्ट टर्म के साथ ऐड होगा, लास्ट सेकंड के साथ ऐड होगा डियर स्टूडेंट। अब इनका एडिशन आप ले लीजिए, इसका इसके साथ एडिशन कीजिए, इट इज ए प्लस ए, इट इज क्लियरली टू टाइम्स ए प्लस डी, यहां पे एन माइनस टू इंटू डी सेम एज हियर, इट बिकम्स प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया प्लस। अब जो लास्ट टर्म है यहां पे और यहां पे ए प्लस ए दैट इज टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास आ गया। दिस ऑल्सो कंटेन्स एन टर्म्स बिकॉज इट कंटेन्स एन टर्म्स, इट ऑल्सो कंटेन्स एन टर्म्स, सम फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, थर्ड विद थर्ड, फोर्थ विद फोर्थ एंड सो ऑन, एन विद एन, वी गेट दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो कंटेन्स एन एलिमेंट। अगर इसमें भी एन टर्म्स है तब जाके ये टू ए टू ए सो वन अप टू टू ए सो वन अप टू टू ए, ये एन टाइम्स है, दिस इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट इट इज एन टाइम्स टू ए प्लस ये एन माइनस वन इंटू डी प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस सो वन अप टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एन माइनस, ये भी एन टाइम्स है, इट इज एन टाइम्स एन माइनस वन इंटू डी। अब एन कॉमन मिलेगा इनमें से, दैट इज एन इंटू यहां पे टू ए रहा प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इस तरह। डियर स्टूडेंट टू टाइम्स एस एन इज इक्वल टू दिस, दिस इंप्लाइज अस एस एन टू हम राइट साइड में लेंगे, एस एन इज इक्वल टू That is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये हमारे पास required formula है to find the sum of n terms of a given arithmetic progression. ये हमारे पास formula है. Remember this. Now see what happens with this formula. We have here Sn जो फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रिमेंबर दिस इज जहन में रख लेना। इसी फार्मूला से हम किसी भी फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम देख सकते, फाइनाइट, रिमेंबर दिस, वी हैव हियर दिस, दिस कैन बी रिटन एज इट इज एन बाई टू इंटू इस टू ए को दो पार्ट्स में लेंगे हम, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह हम लिख सकते हैं, इसको आप अलग से ले लीजिए, इट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सेम एज दिस वन लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आप फिक्स की इसको आप एल भी ले सकते, और इसको आप ए एन भी मान सकते हैं लास्ट, दैट इज दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, दैट इज एन बाई टू इंटू ए प्लस एल और एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, यहां पे जो एल है एल का वैल्यू है एनथ टर्म का वैल्यू, रिमेंबर इसी तरह ए एन यहां पे एनथ टर्म का वैल्यू यहां पे है, इस तरह एस एन जो है इट इज द सम ऑफ फर्स्ट सॉरी बस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स इसी फार्मूला को यूज करके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स
सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।